दिखा जी सर। ये है हमारे सात रंग। इंद्रधनुष देखा हुआ सब लोगों ने जी सर। बारिश के बाद बनता है जी। कितने रंग होते हैं इसमें? सात। सात रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं हम बताते हैं। सात रंग होते हैं। अच्छा, इंद्रधनुष तुम लोग अपने घर पे भी बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। उसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, एक शीशा चाहिए और एक कटोरा हमें चाहिए जिसमें थोड़ा पानी चाहिए। अभी आपको करके दिखाएंगे बाहर। जो सूर्य की जो किरण होती है इसमें सात रंग होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ऐसे ऐसे दिखता है कि सफेद रोशनी आ रही है। ठीक, सूर्य की किरण में सात रंग होते हैं, किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने कहा था? आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सात। तो पहले हम लोग करके देखते हैं, इंद्रधनुष हम लोग अपने आप बना सकते हैं। चले बाहर बनाने। हमें चाहिए एक शीशा और एक कटोरा चाहिए। एक जो शीशा था तुम्हारा, इसको पानी में डुबो के रख दिया है कटोरे में और सूरज की तरफ घुमा के रख दिया है। अब इसके सामने हम जब कागज लाएंगे, ठीक, उस रोशनी जो टकरा के आ रही है सूरज से, सूरज की रोशनी जो शीशे में टकरा के आ रही है और जो कागज पे पड़ेगी उसमें देखना कितने रंग बन रहे हैं। बस आधी कापी है, ठीक है, इसके सामने लेके आएंगे ये, हाथ देखना क्या होता है। दिखा जी सर। ये है हमारे सात रंग, ठीक है, ये है हमारा विबग्योर। सूरज की रोशनी में जो सात रंग होते हैं ऐसे हम उनको देख सकते हैं बना करके। आप लोग घर पे भी करो, कागज सफ़ेद लाओगे, इसमें खूबसूरत से रंग बन के आते हैं।